नमस्ते दोस्तों, विनु सर्वर लाइफ में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ भगवान श्री राम के ननिहाल माता कौशल्या के मंदिर में, जो कि रायपुर के पास चंदखुरी गांव में स्थित है। और कहते हैं कि भगवान श्री राम का ननिहाल है और माता कौशल्या का जन्म इसी गांव में हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है इनका मंदिर और क्या है यहाँ का इतिहास, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मिलते हैं आगे। तो ये है मंदिर का पहला प्रवेश द्वार, जो कि काफी बड़ा और सुंदर है। इसके आसपास जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जहां से आप फूल प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। तो अभी मैं मंदिर परिसर के अंदर हूं और ये देखिए यहां पर कुछ दुकानें हैं जो कि अभी बंद है। और थोड़ा आगे जाऊंगा तो आप लोगों को श्री राम जी की एक विशाल प्रतिमा भी दिखेगी। और जैसा कि आप लोग यहां देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है श्री राम वनगमन परिपथ। ये क्या है इसके बारे में आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो ये जो राम वनगमन पर्यटन परिपथ है, इस योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया है। और इसमें छत्तीसगढ़ के उन जगहों को शामिल किया गया है जिन जिन जगहों पर भगवान श्री राम के पगचिन्ह पड़े थे, और उन जगहों को चिन्हांकित करके रिलीजियस टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने में भगवान श्री राम की कितनी ऊंची प्रतिमा है, जिसकी हाइट लगभग 50 से 55 फीट तो होगी। चलो मैं आप लोग को इसको पास से दिखाता हूँ। वैसे तो माता कौशल्या धाम हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन अभी कुछ सालों पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको रिनोवेट और डेवलप किया है। तो इस पुल से होते हुए मंदिर की ओर प्रवेश करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सामने आपको मंदिर दिख भी रहा होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पूरे तालाब का सौंदर्यकरण किया गया है, और यहाँ पर भगवान विष्णु को शीर सागर में विश्राम करते हुए दिखाया गया है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अमृत मंथन को दर्शाया गया है। तो यह है माता कौशल्या का मुख्य मंदिर, जहाँ पे भगवान श्री राम अपने बाल अवतार में माता कौशल्या के साथ स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था, और जैसा कि भारत के हर पुराने मंदिर की कहानी है, इस मंदिर को भी आक्रमणकारियों द्वारा हर बार तोड़ा गया और फिर बनाया गया। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का ननिहाल कहा जाता है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम को भाचा राम कहकर पुकारा जाता है, जिसका अर्थ होता है भांजा। देखिए सामने में माँ कौशल्या का प्रसाद मिल रहा है, तो चलिए हम भी ले लेते हैं। देखो दोस्तों, हमने प्रसाद ले लिया है माँ कौशल्या का। छोटा डब्बा 30 का है, बड़ा डब्बा 70 का है। तो ये तो थी माता कौशल्या धाम की यात्रा, और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।